अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स कुक विद पैशन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है चिकन हांडी। ये बनाने में बहुत ही आसान होता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का होता है। तो आप एक बार इस चिकन को ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। और ये बहुत ईजीली बन जाता है, ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाते हैं। सिंपल रेसिपी है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही मज़ेदार चिकन की रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ सबसे पहले एक हांडी में 5 से 6 टेबलस्पून तेल को गर्म कर लिया है। आप इसके लिए सरसों का तेल लें तो ज़्यादा बेटर है, वैसे आप किसी भी तेल का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर रही हूँ। लहसुन को बिल्कुल बारीक काट कर इसमें डालेंगे, और जब तक इसमें लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए तब तक इसको फ्राई करेंगे। जब लहसुन में हल्का सा कलर आना शुरू हो जाएगा तो इसमें 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अब इसको हल्का सा सॉटे करेंगे। और अब इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक काट लिया है, फाइनली चॉप करके वो इसमें ऐड कर देंगे। और अब इस प्याज को हमें बहुत अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। तो जब तक गोल्डन कलर ना आ जाए प्याज में, तब तक आप इसको चलाते हुए पका लें। और इसको आप मीडियम फ्लेम पर ही करें ताकि इसमें अच्छे से कलर आ जाए। अब ये देखिए, हमारी प्याज भी गोल्डन हो गई है, बहुत अच्छा इसमें कलर आ गया है। तो मैंने यहाँ आधा किलो चिकन लिया है, इसको अच्छे से धोकर इसका पानी सुखा लिया है, और इन चिकन पीसेस को इसमें डायरेक्टली डाल देंगे। अब इस चिकन को भी हमें इसके साथ बहुत अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे साथ ही। और अब इसको अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक बहुत अच्छे से हमें भून लेना है, जब तक चिकन अच्छे से भून ना जाए, चिकन का कलर ना चेंज हो जाए। अब ये देखिए, बहुत अच्छे से हमारा चिकन भी भुन गया है, लहसुन अदरक का कच्चापन भी दूर हो गया है। मैंने इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसमें अपने कुछ पाउडर्ड मसाले भी डाल देंगे। सबसे पहले मैंने इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। आप चाहें तो इसके साथ एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसमें 1/2 टीस्पून खड़ा सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। और 1 टीस्पून मैंने सूखे हुए धनिया को क्रश करके वो भी डाल दिया है। ये बिना भुनी हुई धनिया को ऐसे ही क्रश कर लेंगे और वो इसमें ऐड कर देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इन मसालों को भून लेंगे अच्छे से। जब मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएंगे, तब हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को चॉप करके वो भी ऐड कर देंगे। अब इन टमाटरों को डालने के बाद हमें इसको, जब तक टमाटर अच्छे से पक न जाए, तब तक हमें इसको चलाते हुए पका लेना है। अभी टमाटर जब तक पूरी तरह न गल जाए तब तक हमें इसको पकाना है। साथ ही इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक या मिर्च घटा या बढ़ा भी सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से भून कर पका लेंगे। अभी देखिए, टमाटर अच्छे से पक गए हैं, पूरा गल गए हैं। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें 1/2 कप फिटा हुआ दही डाल देंगे। ये ताज़ा दही है, इसको मैंने अच्छे से फेट कर इसमें ऐड कर दिया है। अब दही डालकर भी हमें इसको बहुत अच्छे से भून लेना है, जब तक पूरी तरह से मसाला पक ना जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अब हमें दही को भी बहुत अच्छे से मसाले के साथ भून लेना है। अभी देखिए, हमारा दही भी भुन गया है अच्छे से। जब इससे ऑयल सेपरेट होने लगेगा, तब हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। अभी देखिए, दही के साथ भी मसाले भुन गए हैं अच्छे से, ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब मैंने 3 टेबलस्पून
ताज़ी दूध की मलाई ली है, उसको अच्छे से फेंट कर वो भी इसमें डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मलाई डालने से टेस्ट अच्छा आता है। अब साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे क्रश करके, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। और अब हमने मसाले तो अच्छे से पका लिए हैं, लेकिन अभी हमें चिकन को थोड़ा और गलाना है, इसलिए हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा पानी ऐड करेंगे। जैसा आपको गाढ़ा या पतला रखना हो उस अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डालें। और अब हम इसको थोड़ा देर ढक कर भी पकाएंगे। तो मैंने इसको पानी डालकर एडजस्ट कर लिया है इसका कंसिस्टेंसी, और इसके बाद अब हम इसको ढक कर 15 से 20 मिनट पकाएंगे, जब तक हमारा चिकन टेंडर ना हो जाए। तो अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, और बीच में आप इसको चेक भी कर लें। तो अब इसको देखिए पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, और मसाले देखिए कितने अच्छे से पक गए हैं, बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो गया है और चिकन भी हमारा टेंडर हो गया है। तो लास्ट में अब हम इसमें 3 हरी मिर्च डाल देंगे बीच से स्लिट की हुई, आप चाहें तो डालें या स्किप भी कर सकते हैं। और आधा टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, और थोड़ी हरी धनिया इसमें डाल देंगे पत्तों को काट कर। अब हमारा चिकन हांडी बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसे आप नान, चपाती, पराठा या कुलचा किसी के साथ भी सर्व करें, ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। अब चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। इस तरह से आप भी एक बार चिकन हांडी घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।